दोस्तों, आज के इंटरनेट से भरे इस दुनिया में आपने सर्वर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे सर्वर फेल, सर्वर डाउन, सर्वर बिजी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि सर्वर होता क्या है और क्यों हमें सर्वर का जरूरत है? वेल, जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्वर के बारे में। वेल, तो राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप स्वागत करता हूँ आप सबका एमटेक रिव्यूज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे इस छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, आज की इंटरनेट से भरे इस दुनिया में हम हर कोई हमारे चारों तरफ किसी न किसी डेटा से घिरे हुए हैं, चाहे वो YouTube का कोई वीडियो हो या Spotify का कोई गाना या फिर Amazon Prime का कोई मूवी। ऐसे में वो जो डेटा स्टोर या आप तक सर्व होता है वो होता है सर्वर की मदद से। अब क्वेश्चन ये है कि सर्वर होता क्या है? तो अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो आपके अपने जरूरतमंद चीजों से आपको सर्व करता है, जैसे कि कोई डेटा, इंफॉर्मेशन, वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपके पीसी का हार्ड डिस्क, उसमें आप तरह तरह की इंफॉर्मेशन, डेटाज, मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह वगैरह स्टोर करके रख सकते हो, ताकि जब भी आपको उस चीज की जरूरत पड़े आप उसे आसानी से एक्सेस कर सको। उसी तरह इंटरनेट में मौजूद जितने भी चीज आप देखते हो वो सारे स्टोर होते हैं सर्वर्स में। जाहिर सी बात है, एक सर्वर में तो स्टोर नहीं होता, बहुत सारे सर्वर्स हैं जो आपकी इन सारे इंफॉर्मेशन या डेटा को होल्ड या स्टोर करके रखते हैं, ताकि बाद में अगर किसी को उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे आसानी से एक्सेस कर सकता है। दोस्तों, बात करके कितने सर्वर मौजूद है अभी इस दुनिया में, तो लगभग आप मान के चलिए 100 मिलियन से भी ज्यादा सर्वर्स अभी इस प्रेजेंट वर्ल्ड में मौजूद है, जिसमें से 75-80% गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का है। दोस्तों, बात करें अगर सर्वर कितने तरह के होते हैं, तो सर्वर बेसिकली होते हैं 10 तरह के। सबसे पहला है फाइल सर्वर, उसके बाद आता है प्रिंट सर्वर, उसके बाद आता है एप्लीकेशन सर्वर, उसके बाद आता है DNS सर्वर, फिर आता है मेल सर्वर, उसके बाद आता है वेब सर्वर, फिर आता है डेटाबेस सर्वर, उसके बाद आता है वर्चुअल सर्वर, फिर आता है प्रॉक्सी सर्वर, और लास्ट में आता है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सर्वर। डोंट वरी दोस्तों, इनके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियोस चैनल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सर्वर क्या होता है और सर्वर का काम क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल पर सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी कल धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, राधे राधे।